भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज अश्विन का बड़ा बयान सामने आया। अश्विन का मानना है कि अगले साल दोबारा विराट को फिर आरसीबी का कप्तान बनाया जा सकता है। अश्विन के मुताबिक विराट पिछले काफी समय से तनाव से गुजरे हैं, इसलिए उन्होंने इस साल कप्तानी से ब्रेक लिया है। आरसीबी फिर उन्हें कप्तान बनाने की सोच सकता है। राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल किए गए करुण नायर का छलका दर्द। करुण ने बताया, T20 में टीमें उन्हें T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में नहीं देखती। इसके अलावा करुण ने बताया कि वो इस बार IPL में खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर डेविड हसी का मानना है कि शेल्डन जैक्सन इस IPL में शानदार प्रदर्शन करेंगे। KKR ने मेगा ऑक्शन से पहले दिनेश कार्तिक को रिलीज कर दिया था। टीम ने ऑक्शन में भारतीय विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन और इंग्लैंड के सैम बेलिंग्स को खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आरोन फिंच और पैट कमिंस IPL के शुरुआती 5 मैचों से रहेंगे बाहर। KKR की टीम के लिए दोहरा झटका। फिंच और कमिंस दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के मौजूदा पाकिस्तान दौरे का हिस्सा। IPL की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कुणाल पांड्या और दीपक हुड्डा एक साथ खेलते आएंगे नजर। दोनों खिलाड़ियों के बीच संबंध नहीं है ठीक। इस मामले पर मेंटर गौतम गंभीर ने दिया बयान। गंभीर के मुताबिक मैदान पर प्रदर्शन करने के लिए बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी नहीं। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।